अच्छा लोगे? हाँ बैठिए ना। सिल्वी 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 मेरी बात सुनो। सिल्वी ऑटो रोको। सिल्वी एक मिनट मेरी बात सुनो। सिल्वी कहाँ जा रही हो? गोइंग अवे फ्रॉम यू, जा रही हूँ तुमसे दूर। क्या बोल रही हो? मुझे छोड़ के? Why you don't understand? तुम समझते क्यों नहीं? It's better if I go. मेरा जाना जरूरी है। पर क्यों? We cannot stay together anymore. सिल्वी, इसका मतलब समझती हो? हमने साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। कहते हैं कि विवाह एक ऐसा संबंध है जो ऊपर से बनकर आता है और यहाँ नीचे दुनिया में निभाया जाता है। आज देश में अंतर धर्म अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर विदेश से आई हुई एक लड़की का एक साधारण ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ विवाह कुछ मायनों में नायाब था। यूक्रेन की सिल्वी डी कोस्ट्रो और मुंबई के महेश पाल की शादी जितनी चौंका देने वाली है, उसके पीछे छिपी कहानी उससे कहीं ज्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली है। साहब, कल से हमारा बेटा बहू दोनों गायब हैं। साहब, हमारे बेटे को खोज दीजिए। आपके बेटे और बहू का नाम? महेश नाम है और हमारी बहू का नाम सिल्वी। आपकी बहू विदेशी है? हाँ, विदेशी है। क्या काम करता है आपका बेटा? हमारा बेटा ऑटो चलाता है साहब। फोटो के पीछे ऑटो का नंबर लिखा है और मोबाइल नंबर भी लिखा है। ये विदेशी लड़की आपके बेटे को कब और कहां मिली? क्या बताएं साहब, एक दिन ब्याह कर ले आया घर पे। कहां से है आपकी बहू? किस मुल्क से? का नाम है उक्रेन। उक्रेन से है साहब। वही उड़ा ले गई है हमारे बेटे को। हमारा बेटा उम्र में उसे छोटा है, न जाने क्या जादू कर दिया है उस पर। खोज दीजिए हमारे बेटे को साहब। घर में और कौन कौन है? बहुत छोटा परिवार है साहब, एक ठो बेटा है और एक बेटी है। सर, मेरे माँ बाप भाभी को पसंद नहीं करते हैं। भाभी बुरी नहीं है। अभी मेरी शादी के दिन हम उनकी ब्यूटी पार्लर में ही तैयार होने गए थे, वहीं उनसे हम पहली बार मिले। मधु, बाहर आ जा, ये अच्छी जगह लगती है, यहाँ चलते हैं। यस सर। सिल्वी जी से मिलना था। वन सेकेंड। सिल्वी मैम। यस। चाहिए? प्लीज कम। मैं सिल्वी हूँ, आई एम द ओनर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैडम, महेश, और ये ना मेरी बहन है मधु। मैडम, आज इसकी शादी होने वाली है और घर में सब लोग आएंगे। इसको एकदम ऐसे सजाइएगा कि घर में सबके सब दिखते रह जाए। डोंट वरी, वुड यू लाइक टू हैव अ सीट? चेयर प्लीज। अब बैठिए। मैं बाहर जाता हूँ। कम बैक आफ्टर एन आवर, प्लीज कम। तुम्हारा भाई ऑटो चलाता है? जी हाँ। आई थिंक ही लव्स यू अ लॉट। बहुत देर से ही इज वेटिंग फॉर यू। स्कूल और कॉलेज में भी ऐसे ही करता था, जब तक मेरा क्लास खत्म ना हो जाए बाहर ही खड़ा रहता था। आपको पता है, इसकी वजह से कोई मुझे आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। बहुत शर्मीला है मेरा भाई, देखिए ना, तभी तो शर्मा के बाहर भाग गया। He is really nice. बहुत अच्छा लड़का है। सर, भाभी को भैया का भोलापन बहुत पसंद आ गया। और भैया भी उनकी सुंदरता पे फिदा हो गए और उसके बाद वो मिलने जुलने लगे।
सर, वो दिन उनकी जिंदगी के बहुत अच्छे दिन थे। शादी कब हुई उनकी? सर 4 महीने पहले। और उसके बाद घर में झगड़े शुरू हो गए। सर भाभी बहुत भली हैं। उन्होंने घर में एडजस्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनकी बस एक ही इच्छा थी सर, कि घर में सब उन्हें एक्सेप्ट कर लें और प्यार करें। तो बड़ा दमदार और स्वादिष्ट बना। बनेगा क्यों नहीं पापा, आज खाना भाभी ने जो बनाया है। पर वो क्यों नहीं खा रही है? आप भी ना माँ, भाभी कभी भैया कहने से पहले खाना खाती है। फिलहाल आप जाइए, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे आपको। जी सर। नागरे सर, एक विदेशी लड़की एक ऑटो ड्राइवर से प्यार करे, उससे शादी करे, उसके साथ चौल में रहे, फिर एक दिन लड़के के साथ गायब। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने माँ बाप से छुटकारा पाने के लिए खुद ही गायब हो गए हो। दोनों के मोबाइल फोन भी तो स्विच ऑफ है। हो सकता है, लेकिन घर वालों के बयान में मतभेद है, मोहल्ले वालों से पूछताछ करते हैं। यस सर, चलो। ये सामने जो महेश पाल रहता है, जिसने एक विदेशी लड़की से शादी की है, उसके बारे में कुछ जानती हैं? वो जब शादी हुई थी ना, तब अम्मा ने महेश की माँ ने बहुत ढिंढोरे पीटे थे। अरे रुको रुको रुको, अरे चंपा, अरे सुनीता सुनना, देख मेरी कितनी प्यारी बहू लाया है मेरा बेटा विदेश से, कितनी प्यारी है, कितनी गोरी है। और साहब पिछले 2 महीने से रोज झगड़े होते थे उनके घर पर। झगड़े क्यों? क्या बोलो साहब, आंटी ने तो जीना हराम करके रख दिया था अपने बेटे और फिरंगी बहू का। रुक, क्या कर रही है? हमारी इज्जत का तो ख्याल कर, चल जा अंदर। क्या हुआ माँ, तुम फिर से चिल्ला रही हो? धीरे धीरे सीख जाएगी, थोड़ा प्यार से समझा दो। दूसरे देश से आई, उसको हमारे तौर तरीके सीखने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तेरा ये प्यार व्यार का ड्रामा है ना, तू अपने पास रख। इस घर में रहना है ना, तो इस घर की मान और मर्यादा का ख्याल रख के रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम दोनों ना इस घर से जा सकते हो। मेरे को लगता है दोनों अपनी मर्जी से चले गए। सर हम लोग तो बहुत खुश थे कि हमारे घर में फिरंगी बहू आई, ये हमारी पत्नी पूरे चाल में हंगामा कर रही थी कि देखो हमारा बेटा फिरंगी बहू लेकर आया। पर साहब एक बात बोलूं, हमें भी शक हुआ था कि हमारे ही बेटे को क्यों पसंद किया उस फिरंगन ने। सब हम ठहरे मामूली लोग, ये घर भी भाड़े का है, अपना पेट काट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बीए करवाया, पर कोनो ढंग का काम नहीं मिला, इसलिए महेश ऑटो चलाने लगा। सब हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन इज्जत है, पर वो लड़की भला हो नया का जिसने हमारी आंखें खोल दी। साहब महेश, इसके लिए छोड़ा था ना मुझे? क्या है ये? देख खुद अपनी आंखों से देख, अपनी औकात बता रहा था, अब देख इसकी औकात। अरे धंधे वाली है ये, धंधे वाली। बहुत गोरी चमड़ी में मर रहा था ना तू, वो तो बिकाऊ है, अब रख अपने धंधे वाली को। ये देखिए साहब, ये हमारी बहू है, देखिए। साहब हमें तो पहले शक था, लेकिन अब यकीन में बदल गया है। ब्यूटी पार्लर के नाम पर धंधा चलाती होगी। ये सब आप लोग अब बता रहे हैं, तब क्यों नहीं बताया जब थाने में रिपोर्ट लिखाने आए थे? ये मैगजीन तब क्यों नहीं दिखाई? साहब हम लोगों के लिए इज्जत सबसे ज्यादा है, हमारी बहू धंधा करती है, इसमें उसका क्या जाता है? इज्जत तो हमारी उछाली जाएगी ना सर, उल्टा आप लोग भी हम पर ही शक करेंगे। अब तो बस हमारा महेश जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा, हमारी बहू मिले ना मिले हमारी बला से। इन लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट या इस लड़की का पासपोर्ट है आप लोगों के पास? नहीं साहब, ब्याह तो उसने मंदिर में किया था, और पासपोर्ट तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। अच्छा घर से कुछ गायब हुआ है, मतलब पैसा या जेवर वगैरह कुछ? सब हमारे घर में है का जो गायब हो, बस एक बेटा है जो। महेश को जब इसके बारे में पता चला तो उसने क्या किया? वो क्या करेगा सर, उसकी आंखों में तो पर्दा पड़ा है ना। नागरे इस एस्कॉर्ट सर्विस के नंबर का पता लगवाओ और ब्यूटी पार्लर की भी डिटेल निकलवाओ,
हो सकता है ये लड़की किसी सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व थी। लड़के को पता चल गया और इसी बात को लेकर कोई कांड हो गया। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक पहेली नहीं बल्कि अपराध की एक गहराती गुत्थी थी जिसे अगर जल्द ही ना सुलझाया गया तो ना जाने कितने और विचित्र परिणाम सामने आ सकते हैं। यहाँ पर एक विदेशी नागरिक का भी मसला था जो अगर तूल पकड़ लेता तो देश की छवि को दागदार कर सकता था, लेकिन पुलिस सच्चाई की तह तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। सर, वो एस्कॉर्ट सर्विस वाला नंबर अभी चालू नहीं है, पर जिस नाम से और जिस एड्रेस पर वो नंबर रजिस्टर्ड था वो डिटेल हमें मिल गया। कोई विकी नारंग है, चेंबूर में रहता है। ये नंबर तुम्हारा है? नहीं साहब, ये मेरा नंबर नहीं है। तो फिर तुम्हारा नाम और एड्रेस पर रजिस्टर कैसे है? ये नंबर? जी सॉरी सर, लेकिन ये नंबर मेरा नहीं है। इस लड़की को जानते हो? कभी देखा है? नो सर, नेवर, कभी नहीं। क्या बात है विकी? इज ऑल ओके? सब ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? सर मैं TXL सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामर हूँ। कहाँ देने सर? सर ये वाशी में। पक्का इस लड़की को तुमने कभी नहीं देखा, नहीं जानते हो इसे? एब्सोल्युटली नॉट सर, और ये नंबर भी पता नहीं किसी ने मेरे एड्रेस पे कैसे ले लिया। थैंक्स। लगता है इस लड़के की फेक आईडी पे ये नंबर लिया गया है। इस नंबर की डिटेल्स निकालो, किस किसने इसे फोन किया, कहां कहां से फोन आया, सब पता लगाओ। यस सर। अगर ये लड़की एस्कॉर्ट सर्विस चला रही है तो इसके ब्यूटी पार्लर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। सर सिल्वी के ब्यूटी पार्लर चलते हैं और स्टाफ से पूछताछ करते हैं। सर सिल्वी मैम बहुत अच्छी लड़की थी, एक बार एक लड़के ने इसको छेड़ा भी था तो मैम ने उसे बहुत डांटा था और हम लोगों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव थी सर मैम। Put you in the schedule and then just put it here, okay? Hello? One minute, I'll call you back. Hello, madam. थोड़ी मसाज कर दो। चाहिए मुझे तकलीफ हो रही है, मसाज। पुलिस तुम्हारी मसाज करेगी। Leave. Hut. Go. इज्जत, रिस्पेक्ट और सम्मान, सर सभी चीजों का वो बहुत ख्याल रखती थी। सर आप ही बताइए कि वो धंधे का काम कैसे कर सकती हैं? किसी ने बहुत ही घटिया मजाक किया है। थैंक्स सर, मेरे सबका बैकग्राउंड चेक करवाया, ना ही ये ब्यूटी पार्लर और ना ही इस पार्लर में कोई भी लड़की इस धंधे में शामिल है, सब क्लीन है। नागरे सिल्वी की फोटो को मीडिया में रिलीज करो। वैसे मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि महेश की किसी से दुश्मनी थी और ये लड़की उसकी चपेट में आ गई? हालांकि उसके माँ बाप ने तो हमें कुछ नहीं बताया। वो बताएंगे नहीं, हमें पता करना होगा। सर एक अहम सुराग हाथ लगाए, महेश के पिता के दोस्त बब्बन राव यानी कि नेहा के पिता ने कुछ ही दिनों पहले महेश को कुछ गुंडों के हाथों पिटवाया था और तो और नेहा ने भी सिल्वी को सरेआम मारा था। अपना लड़की नेहा का दोस्ती हुआ महेश के साथ, कुछ नहीं करता था वो, अपने इधर 25 ऑटो चलता है, मैंने महेश को एक ऑटो दिया, सोचा अच्छा लड़का है, अपना लड़की का लगन कराएगा उसके साथ, खुश रहेगी अपनी लड़की। बस अब क्या फायदा, उसने लगन किया एक फिरंगन के साथ। हाँ साहब, मैंने पिटवाया उसको। गुस्सा ठंडा हो गया या अपना बदला पूरा करने के लिए महेश को ठंडा कर दिया? लड़की के साथ क्या किया? सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मारी मैं साहब, उस फिरंगन को बीच चौराहे पे मारा, वो देख के मुझे इतना गुस्सा आया, महेश ने मुझे उसके लिए धोखा दिया, उसके लिए मुझे छोड़ दिया साहब। गोली चमड़ी की वजह से मुझे छोड़ा? चुप। प्यार करता हूं उससे, आज के बाद दोबारा हाथ मत उठा देना। अब क्या कर सकते हैं साहब, शादी हो गई है उसकी, देखा मैंने, बहुत खुश थे दोनों, जो हो गया सो हो गया, पंगा काय को करने का साहब। अब क्या छुपा रहा है साहब? ये मामला तो बहुत पुराना है, जब हुआ था तब सेटल हो गया था ऐसा हमको लगा,
अब क्या पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है। पवन राव उसके बाद हमको कभी मिला नहीं। फिरंगी मैडम? अरे बाबा साहब, मैं आता पेपर मत पकड़ ले रहा साहब, वो गोली चट्टी मैम है ना, फिरंगी मैम। बैठ बैठ, क्या हुआ? गोली मैम कहीं देखा था? हाँ 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 साहब, पांच दिन पहले वो मेरे रिक्शा में बैठ के गई थी साहब, और मेरे को बोली कि मेरे को बस डिपो जाने का है, और वहां पर उसके पास छोटा सा बैग था बस। फिर जैसे मैं बाबूवाड़ी से बाहर निकला ना, एक रिक्शा मेरे को ओवरटेक किया, मैं तो एक रिक्शा ड्राइवर बाहर निकला और उस गोरी चट्टी मैम के साथ में मजबूत चालू हो गया दोनों का। वो रिक्शा ड्राइवर की बीवी निकली वो फिरंगी मैम साहब। हाँ बात क्या हुई वो बता। वो फिरंगी मैम रिक्शा वाले के साथ उसके घर जाने को तैयार नहीं थी साहब, फिर परेशान होकर रिक्शा वाले ने अपने बाप को फोन लगाया। बाबूजी अभी जो हुआ सो हुआ, अब माँ को लेके गोरेगांव वेस्ट साईं बाबा मंदिर रोड पे पहुंची है, मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं माँ को आना ही होगा। हाँ मैं और सिल्वी साथ में है और आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये ले भाई तू निकल। वो रिक्शा वाला मेरे को रिक्शा का भाड़ा दिया और उस फिरंगी मैम को अपने ऑटो में लेके निकल गया साहब। अब मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा, हर रोज एक नई बात निकल के सामने आती है। तुम लोग अपने बेटा बहू से मिले थे ना जिस दिन वो लोग घर छोड़ के गए? मिले थे, पहले क्यों नहीं बताया? सब आप हम पर शक करते इसके लिए। किस बात का शक करते? सब सिल्वी उस रोज अपना सामान समेट कर घर छोड़कर चली गई। हमने भी सोचा कि भला टली, पर रास्ते में महेश मिल गया उसे। एक बात साफ कर देता हूँ, शादी की है मैंने इससे, ये पत्नी है मेरी, और इसकी पिछली जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। सुन लो, और उन कागज के टुकड़ों को कचरे के डिब्बे में जाकर फेंक दो, और अगर ये हमारे साथ नहीं रह सकती है तो उस घर में मैं भी नहीं रहूंगा। बड़ा असर हो रहा है तुझ पर इसकी गोरी चमड़ी का। हाँ इस बाजारू लड़की के लिए तू हम दोनों को छोड़ेगा? माँ बहू है तुम्हारी, सवा सवाल के बात करो। अरे साले तुम्हारी जबान कितनी चढ़ गई है, तुम ज्यादा बोल रही हो। अरे आगे बात कर, प्लीज वेट, से बात कर रहे हो, मुझसे बात कर। वेट वेट, आई लॉस्ट माय ओन पेरेंट्स बट आई गॉट देम बैक इन यू। क्या बता रही है? आई नो आई एम नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस बट बिलीव मी मॉम डैड, आई एम गोइंग अवे टू कीप यू ऑल हैप्पी। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं आपके लायक नहीं। माँ बाबूजी मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, और अगर ये वानी रह सकती तो फिर मेरा भी होने का कोई मतलब नहीं है। अब वो सब छोड़ो और घर वापस चलो। अभी आप लोग जाओ, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं, और वो बैग भी लेते जाना। वो लोग वहीं रह गए सर, लौट कर वापस नहीं है, फोन भी बंद कर दिया उन्होंने। सब एक बात बोल, जरूर उस सिल्वी ने ये कांड करवाया है। अब तो बस हमरा महेश जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा। एक बात सुन लो कान खोल के तुम लोग, अगर अब भी कोई बात छुपा रहे हो ना, तुम्हारा बुढ़ापा सलाखों के पीछे कटेगा। सर आपको लगता है ये पति पत्नी हमसे कुछ छिपा रहे हैं? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि उस दिन मंदिर वाले रोड पर झगड़े के दौरान ही कोई कांड हुआ होगा। हाथापाई तो हुई थी, और वो अब भी आदत के मुताबिक कुछ छुपा रहा है। हाँ बोल, क्या कहा नागरे? लगता है सिल्वी मिल गई। हटिए यहां से। एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। सिल्वी मिल गई, यानी उसकी लाश। तुम सब ने मिलकर सिल्वी को मार डाला, और अब तुम्हारा बेटा महेश फरार है। सब सब आपको लाश समुंदर के किनारे मिली। हम अपने बेटे से मिलने के लिए गोरेगांव के पास साईं मंदिर वाले रोड पर गए, तो सब हम अपना बेटे और बहू से मिलकर वापिस आ गए थे 8 बजे। आप चाहो तो चाल वालों से पूछ सकते हो। नागरे सर वेरीफाई करो। यस सर।
कई बार किसी सवाल के जवाब को लेकर अनेकों संकेत मिलते हैं, लेकिन हल नहीं मिलता। महेश और सिल्वी की गुमशुदगी और फिर सिल्वी की रहस्यमय हत्या अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई थी। पुलिस की तहकीकात में कई सुराग सामने आए थे, यहां तक कि सिल्वी की लाश मिलने के बाद एकाएक सिल्वी भी आरोपी से विक्टिम बन गई थी। सुराग की कड़ियों में कहीं एक कड़ी थी जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी थी। महेश कोई एक तथ्य था जिसका पता पुलिस को इस मसले का हल दिला सकता था। सर, मोहल्ले के लोगों से कंफर्म किया है कि उस रात 8 बजे महेश के माता पिता दोनों घर पे थे। सर, सिल्वी के बारे में एक और बड़ा सुराग मिला है। यूक्रेनियन एम्बेसी से रिपोर्ट आई है कि यह विजिट इंडिया में सिल्वी का तीसरा विजिट था। मधु से फोन पे कंफर्म करो। यस सर। हेलो मधु, सब इंस्पेक्टर नाग। जी सर, बोलिए। अच्छा, क्या तुम बता सकती हो कि सिल्वी का इंडिया में ये तीसरा विजिट था? तीसरा नहीं सर, हमसे तो कहा था कि वो पहली बार यहाँ आई है। सर, मुझे तो लगता है सिल्वी सबसे बहुत बड़ी बात छुपा रही थी। इंडिया के 3 चक्कर लगा चुकी थी, खबर सिर्फ एक की। नागरे, 2 यूनिट बनाओ, पता करो ये लड़की इंडिया में कितनी बार आई, क्या किया, कहाँ गई, किससे मिली और कहाँ रही। यस सर। सर, कोई खबर? सर, अपने दूसरे ट्रिप दिसंबर 2014 में सिल्वी ने एक शादी और की थी, उसके बाद उसने परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई भी कर दिया था। मतलब सिल्वी भारतीय नागरिकता लेना चाहती। सर, अभी तो साल भर भी नहीं गुजरा, उसने चेंबूर फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन दायर किया था। मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर और परमानेंट रेसिडेंसी एप्लीकेशन में हस्बैंड का नाम विकी नारंग दिया हुआ है। सर, स्कॉट सर्विस के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। सर, इसमें बहुत सारे नाम है, ये देखिए सारे मर्दों के नाम, विनीत, मनोज, अनवर, संजय। सर, दिसंबर 2014 से मार्च 2015 तक इस नंबर पे बहुत सारे कॉल्स आए थे। विकी नारंग, ये मोबाइल नंबर और एस्कॉर्ट सर्विस, इनमें क्या कनेक्शन है ये पता लगाना होगा। और इन नामों में से जो सबसे ज्यादा फोन किया करते थे, इन सबको भी उठाओ तुरंत। और विक्की नारंग, इसकी भी प्रोग्रामिंग करनी होगी, आईटी प्रोग्राम है। ये लड़की थी और कौन था साथ में? एक आदमी से फोन पे बात होती थी पर कभी उसे देखा नहीं, पैसे भी वो लड़की कलेक्ट करती थी। सर, ये लड़की वाकई एस्कॉर्ट सर्विस की आग में देह व्यापार कर रही थी और फोन पे बात करने वाला वो मर्द विक्की ही हो सकता। कल सुबह ऑफिस के लिए निकले पर अब तक घर नहीं आए वो। क्या आप विकी को शादी से पहले से जानती हैं? जी। मैंने पूछा, अपने पति को शादी से पहले से जानती थी आप? वो एक्चुअली हमारी अरेंज मैरिज थी। जून 2015 में हमारे पेरेंट्स ने ये शादी अरेंज करवाई थी, पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, ये विकी आईटी सेक्टर में ही काम करता है या कोई बिजनेस भी है इसका? बिजनेस? बिजनेस का तो पता नहीं, पर वो 6-7 साल से आईटी में ही काम कर रहे हैं, मुझे तो यही पता है। सर, विकी के ऑफिस में पता किया, वो कल ऑफिस नहीं आया था और आज अभी तक नहीं आया। क्या ऑफिस में नहीं है? पर मुझे तो बोलकर गए थे कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आपके कोई रिश्तेदार वगैरह कोई है आसपास? पेरेंट्स रहते हैं पुणे में। बुला लीजिए, अगर विकी के बारे में हमें कुछ पता लगता है तो आपको बताएंगे, आप भी ऐसे ही कर लो। ठीक है। अजीब बात है, अगर ये आईटी सेक्टर में काम करता था तो इस लड़की सिल्वी से कहां मिला होगा? इसकी बैकग्राउंड चेक करो, ऑफिस में कलीग्स वगैरह से बात करो, वाइफ को कुछ नहीं मालूम पर हो सकता है किसी को कुछ पता हो। हर थाने में इसके बारे में अलर्ट जारी करो, इसके घर पे नजर भी रखो। यस सर। विदेशी नागरिक सिल्वी की हत्या के बाद पुलिस 2 थ्योरीज पर काम कर रही थी, या तो गायब हुआ महेश सिल्वी का कातिल है या सिल्वी से जुड़े संगीन हालात में किसी ने उसकी भी जान ले ली है। सर, अपने नेटवर्क से महेश के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली है,
और विकी के ऑफिस कॉलीग से भी बात हुई है सर। एक दो का कहना है कि विकी को एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था। कुछ एक टीवी सीरियल्स में उसने छोटा मोटा रोल भी किया था। ये सब या तो वो पार्ट टाइम करता था, नहीं तो ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने एक्टिंग मॉडलिंग का शौक पूरा करता था। तो नागरी ये हो सकता है कि सिल्वी की उससे मुलाकात मीडिया की दुनिया में ही हुई होगी। सर सर यूक्रेन एम्बेसी से सिल्वी के वीजा की फोटोकॉपी मिली है सर, जब वो पहली बार इंडिया आए थे जून 2014 में। वर्क वीजा पर आई थी ये, अनूप मेहरा ने रेकमेंड किया था। क्यूबी प्रोडक्शन के रेकमेंडेशन लेटर पर इसको वीजा मिला था। एड्रेस भी है। चलो नागरी पता करते हैं। सिल्वी डी कॉस्टो, नाम सुना है, जानते हो उसको? यस सर। 2014 ये लड़की मुझसे एक चैट रूम में टकराई थी, यूक्रेन से थी, उसे काम की जरूरत थी तो मैंने उसे यहां बुला दिया। वर्क वीजा पे? जी, मैंने उसको अपने दो एड्स में भी काम दिलाया था। उसके बाद खबर मिली कि उसकी शादी हो गई है किसी विक्की नारंग के नाम के आदमी से। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ मुझे क्या पता, वो जब तक यहाँ पे थी 6 महीने वी वर इन टच। उसके बाद ना ही कभी मेरी उससे मुलाकात हुई और ना ही कभी उसने मुझे कांटेक्ट किया। अच्छा, ये 6 महीने वो तुम्हारे साथ ही रहे? नहीं सर, मुझे नहीं पता कहाँ थी। नागरे पता लगाओ कि ये लड़की 6 महीने तक रही कहाँ थी, क्या क्या और असाइनमेंट किए, और हाँ उस विक्की का कुछ पता चला? आइए सर, मेरा क्या एसोसिएट। बैठो, बोलिए। सर अनूप मेहरा जी ने उन 6 महीनों में 16 एड फिल्म बनाए, लेकिन सिल्वी को सिर्फ एक ही एड फिल्म में काम दिया। ये सिल्वी रहती कहां थी? सर अब रहेगी कहां, अनूप मेहरा जी के साथ रहती थी। सर सिल्वी का मुंबई में कोई उनके सेवा था भी नहीं, अनूप मेहरा जी उसकी मदद करते थे, उसे अपने साथ रखते थे और काफी एक्सप्लोर भी किया। ये मेहरा पुलिस के साथ होशियारी कर रहा है, सुना ये हो गया था ना? यस सर, प्यार हो गया था मेरे को उससे सर, साथ में रहने लगे थे, पर फिर विकी मिल गया उसको, चली गई उसके साथ, शादी कर ली। तूने शादी क्यों नहीं की? सर मैं कैसे रोकता उसे सर? तूने उसे जाने दिया, नजर नहीं रखी लड़की पर? नहीं सर, कोई कांटेक्ट नहीं रखा सर। सर ये रहे तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स, विकी, सिल्वी और मेहरा के। उन 6 महीनों के बाद भी ये सब लोग एक दूसरे के साथ टच में थे, कॉल्स आई और गई। और सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर वो विकी है सर, उसने किया होगा सर। विकी एक स्ट्रगलिंग एक्टर था सर, एक नंबर का कमीना। और तू एक नंबर का शरीफ। सर सच बोल, नहीं तो तेरी सारी शराब निकाल दो। सर सर सिल्वी ने शादी की थी विकी से, और फिर 6 महीने बाद वापस मेरे पास आ गई। सिल्वी यूज़ मी, ही पुट मी इनटू प्रोस्टिट्यूशन। शादी तो बस बहाना था, पुट मी इन फ्रेश शाइन। आई वाज इन एस्कॉर्ट सर्विस। Every day he used to go to more people and beat me when I refused. Please help me. I have no one to speak. Sylvie, don't worry. मैं तुम्हारे साथ हूँ, okay? Sir, sir, सिल्वी की हालत देख के रहा नहीं गया मुझसे सर। मैं कुछ लोंडों को ले गया और ढो डाला मैंने विकी को। सिल्वी तेरे को डिवोर्स पेपर्स भेजेगी, हाँ? डिवोर्स पेपर्स साइन कर देना, समझे? नहीं तो यही उस खम्भे से लटका दूंगा तुझे, समझे? चलो। सर सर वो लड़की तो विकी से भी कमी नहीं निकली सर, ये सब होने के बावजूद भी मैं उसे शादी करने को तैयार था। वो 2 महीने मेरे घर पे रही सर, लेकिन एक दिन मेरे अलमारी से 12 लाख रुपए कैश लेके भागी वो। कब की बात है ये? सर 21 जून 2015। उस दिन से परेशान हूँ सर, ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। सर हो सकता है महेश को सिल्वी की देह व्यापार की सच्चाई पता चल गया हो और उसने सिल्वी को मार दिया हो। महेश से शादी भी इसने 8 महीने बाद की, जनवरी 2016। और ये
मेरा बोल रहा था कि सिल्वी उसके पैसे लेके भागी, कहीं ये ब्यूटी पार्लर भी सिल्वी ने उसके पैसे से तो नहीं बनाया। सर ये ब्यूटी पार्लर तो सिल्वी ने अपने किसी जान पहचान वाले से ब्याज पे पैसे लेकर खोला था, 9 लाख रुपए। इसका मतलब ये मेरा झूठ बोल रहा है। हाँ बोल। क्या किधर ले गया उसको? यहाँ लड़की को धंधे पे लगाया, बहुत शराफत का नकाब लगा के घूमता है। सर तो मैं और क्या करता, मेरी एक्टिंग वगैरह कुछ नहीं चल रही थी, इसलिए लड़की की कमाई खाने लगा। दूसरे मुल्क से लड़कियां इस देश में बड़े भरोसे के साथ आती, तुझ जैसे हैवान उन्हें नोच लेते हैं। सर वो फिरंगन सिल्वी अनूप मेरा के पास चली गई थी और फिर उसके आदमी ने मुझे बहुत मारा, इसलिए सर मैंने सिल्वी को तलाक दे दिया और ये एक्टिंग लाइन भी छोड़ दी। सब छोड़ छाड़ के सर मैं अपनी आईटी फील्ड में वापस चला गया था और मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करवा दी। बस इतना ही जानता हूँ सर। ये तो तेरी कहानी के पन्ने हुए, सिल्वी की किताब खोल। सर आज से कुछ 6 दिन पहले मैंने सिल्वी को 16 तारीख को गोरेगांव के आसपास देखा था। हेलो। क्यों मेरा फोटो देखी? मेरा बहुत तलाक कराने चला था ना। तेरी वाली फिरंगन ना ही तेरी रही और ना मेरी। सर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। दूर क्षितिज तक फैला समंदर कितना हसीन लगता है, शांत, गंभीर, सौम्य। लेकिन अगर नजदीक से देखा जाए तो उफनती लहरें नजर आती हैं। सिल्वी का जीवन भी कुछ ऐसा ही था, एक खूबसूरत हसीन सौम्य चेहरे के पीछे कितना कुछ तूफानी गुजरा था। मेहरा के कारण वो इस देश में आई, विक्की ने शादी का झांसा दिया और फिर वो वहां से भाग निकली। इस अनोखी कहानी में सिल्वी कभी आरोपी तो कभी पीड़ित के लिबास में नजर आई, पर इतना तो तय था कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ था। कौन था वो जिसने उसके साथ अन्याय किया और मौत की सजा भी मुकर्रर कर दी? विक्की मिल गया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। सर मैंने पहले ही कहा था। सर एक बार फिर से बोल, सच सच बोल और आखिरी बार बोल। जल्दी बोल नहीं तो तेरी हड्डियों से कबूल कराऊंगा। सर, 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 विकी के ताने सुन के मैं आग बोगला हो गया था। सर सिल्वी का नशा होता नहीं था। सर मुझे सिल्वी चाहिए थी, मैंने उसका एड्रेस पता करवाया। How are you, Mrs. Mahesh? शादी की थर्ड इनिंग्स मुबारक। तो अरे कैसा लग रहा है इस बार ऑटो वाले से शादी करके? तुम्हारी औकात भी वही है। You used me for your last. Vicky was worse. He not only used me but sold me too. But Mahesh, he respects up. Despite knowing all the facts about me, he does. Tumse ilaaj behtar hai wo. Auto wala. He's a real man. To phir ek kaam karte hain. Mahesh ke parents ko aur is sare mohalle wale ko tumhara pura past, sara ka sara gachcha chitta खोल के बता देते। अरे सुनो तो सही, तुम जानती नहीं हो इन इंडियंस को इज्जत के लिए मरते हैं। वो है ना तुम्हारा रियल मैन, सर उठा के जी नहीं पाएगा बेचारा, वो यही कहीं रहता है ना। दूर रहो तुम मेरी वाइफ से। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, समझी? मुझे खुश रख और मैं तेरे खुशियों का इंतजाम सब कर दूंगा। शाम को हम समुद्र पे मिला करते थे ना, वही बीच पे, वहां आ जाना ठीक है। आई हैव माई आईज ऑन यू। शाम को बीच पे।
जाइए यहाँ से। हटिए प्लीज, एक सेकंड देखने दीजिए, हटिए। सर मैं डेस्परेट हो गया था सर, नशा सर पे चढ़ गया था सर। मैं वहां वक्त से पहले पहुंच गया। सिल्वी के साथ महेश भी आया हुआ था। My past is haunting me. अनुप मेरा वो आदमी है जिसने मुझे exploit किया है, आज वो है कल कोई और होगा। Now he's blackmailing me. He wants me to join him again. I can't go back to my country. But one good news. मैं माँ बनने वाली। इस आखिरी अरमान के साथ मैं जिंदगी काट लूंगी। यू मामा, मी पापा। हर हाल में तुम्हारा साथ निभाने की कसम खाई है मैंने, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम चलो। साले पराये देश से अपने देश में आई बेबस लड़कियों का फायदा उठाता है तू। ए, कूल बॉय कूल। एक फिरंगी के लिए हम आपस में लड़ रहे हैं यार, मिल बांट के खाते हैं ना। यू सम मी सम, गुड फ्रेंड्स ब्रो। चल हट, कम ऑन बेबी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन बेबी। सिल्वी को जाने दे, उसका तुझसे कुछ भी लेना देना नहीं। क्यों बे साले, तू भी उसकी दलाली खाना चाहता है क्या? हवस की आग में आदमी इस हद तक गिर सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। हम किसी भी जाति धर्म या देश से क्यों ना हो, लेकिन इंसान की मौलिक संवेदना एक सी होती है, वो देश और काल के परे होती है। यूक्रेन की सिल्वी डी कोस्ट्रा के मासूम सपने किसी भारतीय लड़की से अलग नहीं थे। वो कुछ बनना चाहती थी, अपनी गरीबी अपनी बदहाली से ऊपर उठना चाहती थी, पर अफसोस के उसके सपनों पर कुछ प्रेत आ बसे, खुदगर्जी वासना और वैश्यत के प्रेत। पहले मेहरा और फिर विक्की ने सिल्वी के सपनों और उसकी अस्मिता को कुचल कर रख दिया। मुंबई की एक सेशन कोर्ट द्वारा विक्की को देह व्यापार और साजिश, और मेहरा को कत्ल साजिश और दुष्कर्म के प्रयास के लिए सजा दी गई है। हमारे विदेशी पर्यटक और प्रवासी ना सिर्फ हमारे आदर और सत्कार के भागी हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा और उनके यकीन की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, अपनी इज्जत करते हैं, तो अतिथि देवो भवा को सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि अपने कर्तव्य का हिस्सा बनाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।